जिस खाकी वर्दी की लोगों की इज्जत आबरू बचाने की ड्यूटी होती है, अगर वही खाकी वर्दी मुजरिम को बचाने में लग जाए तो ऐसी खाकी वर्दी शर्मसार ही करेगी। ऐसे में पीड़ित चाहे दर दर की ठोकरें खाने को ही मजबूर क्यों ना हो जाएगा, पुलिस को क्या फर्क पड़ता है। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर उस महिला की है जो मऊ जिले के रामपुर बिलौली थाने के शुक्लपट्टी गांव की रहने वाली है, जिसके साथ होली के दिन गांव के एक लड़के ने बलात्कार जैसी हैवानियत घटना को अंजाम दिया। वही महिला जब थाने पर मुकदमा दर्ज कराने गई तो पुलिस वालों ने महिला को डांट डपट कर थाने से भगा दिया। वही अगले दिन पीड़ित महिला फिर से थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचती है, लेकिन पुलिस वालों ने महिला को घंटों थाने में बैठाए रखा। वहीं जब महिला मधुबन में पत्रकार अजय गुप्ता से संपर्क करती है और जब अजय गुप्ता रामपुर बेलौली थाने पहुंचकर महिला का बयान लेकर खबर बनाने लगते हैं, तो खबर बनाए जाने से नाराज पुलिस वालों ने पत्रकार अजय गुप्ता को बुरी तरह से मारपीट कर उनका एक मोबाइल तोड़ दिया, साथ ही दूसरे मोबाइल का सारा वीडियो डिलीट कर मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया। वहीं जब पत्रकार के साथ मारपीट की घटना अन्य पत्रकारों को पता लगी तो मधुबन के पत्रकारों ने सीओ मधुबन सहित पुलिस अधीक्षक को पत्रकारों के साथ की गई मारपीट की सूचना दी। वहीं मामला तूल पकड़ता देख रामपुर बेलौली पुलिस आनन फानन में महिला की FIR दर्ज कर मुजरिम को पकड़ कर जेल में डाल दी। तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। वहीं बलात्कार पीड़िता का ना तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है और ना ही उसका मेडिकल कराने की पुलिस जहमत उठाती है। वहीं पीड़ित महिला अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर जनपद मुख्यालय के कलेक्टर में पुलिस अधीक्षक से मिलने चली जाती है। वहीं घंटों इंतजार करने के बाद जब पीड़ित महिला ने कप्तान से मुलाकात की तो कप्तान ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार थानों में मिशन शक्ति योजना चला रही है, जहां महिलाओं को तुरंत न्याय दिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन मिशन शक्ति योजना को रामपुर बेलौली पुलिस पूरी तरह से फेल करती नजर आ रही है। घटना भइल बना कि होली का दिन था, हम अपनी घर में सो, हमारी तबीयत खराब हो, दस और उल्टी दोनों पेट मुँह दोनों चल रहा था। अपने घर में सोए थे, लड़का ना दारू पीकर दिन में अपनी बाप भाई से झगड़ा करके कपार फरोवल खुल कैले रहना, ओकरी बाद चौकी पर रामपुर बेलौली चौकी पर फोन कैना जा, सिपाही लोग आना जा टांग के लेकर चल घुना जा, वही में बंद कैन रहना जा, फिर शाम के 7 बजे छूटा ना, आ छूट के आके फिर हमारी घर में आ गए ना, आ घर में आके हमसे गलत काम और छेड़खानी और खानी सब कैले, ओकर बाद खटिया पर उठा उठा पटक दिया ना, पटक के ओकर बाद से हम वही घर में अंगना में गिरल हई, तब जाके फोन बनी तो एगो लड़का आईनी तो लड़कवा के पुलिस मारपीट करके दाँते होते काट उट के आ फिर जाके घर भाग गए, घर से जाके फिर 100 नंबर फोन कर 100 गो सिपाही आई, 100 गो सिपाही आके हमारे घर में पूरा बक्सा उक्सा खटिया उटिया चेक कर लीजिए, तब हम पूछे कि कौन बात हुए कैसन बात हुए कि हमारे घर चेक कर देंगे, तब बताइए तब हम जाके बताऊनी कि ऐसा ऐसा काम कर जाके लड़का के धोई नहीं जा पकड़ नहीं जाओ करीब से चेक उक कर नहीं जाता, मैंने हमारे संगे छेड़खानी ऊपर निकल वही रात लेकर चल गए नहीं जा रामपुर बेलौली थाना में, वो कई बार थाना में गई नहीं, वो हमसे 9 बजे बुलाहट रहे, 9 बजे गई नहीं, 9 बजे से बैठल बैठल दरखास्त देवे खातिर देते 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 हमके हमारे हेतु मुकदमा चालू में ना होके, मुकदमा चालू ना होके तब हम जो लड़का घटना किया है वो परिचित है। हाँ उसमें अभी भी बंद है। पत्रकार के साथ कैसे घटना घटी? घटना जानो घटना भैल का करे आये बनल हमके तना चिन्ह पर्ची अब 5 वर्ष हमारे 6 वर्ष सदिये भैल ना चिन्ह ना पर्ची हमारी साथे का भैलू बताओ पत्रकार नहीं ये 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 पत्रकार जो थे इनकी मोबाइल जो टूट गई थी पत्रकार का हमारे सुनवाई नहीं होता हम पत्रकार को बुलाए तो ये कहे कि चलो हम अभी ये तू करते हैं तुम्हारी सुनवाई करवा देंगे। जब ये थाना में गया तो सिपाही लोग इसको लखेद के और इसको मारपीट लगा सड़की पर लिया कर और बोला कि भागो हम लोग होली नहीं मनाएंगे आ होली सब खेल लिए देख लो तो सामने मन लेंगे। हाँ जी क्या हुआ था घटना? मोबाइल भी तोड़ दिया था। मोबाइल हाँ 2 गो मोबाइल ले लेंगे दोनों मोबाइल छीन के बैग भूया फेंक दिया नहीं जा गाड़ी के
सब पिलावे लगन जाइया के धो के थाना में लेके चल गए सब बोल दे ठीक है। अरे वो लड़का है ना, वो बताएगा किसके से मारे हैं। वो मैंने पता किया है, ये पता चला है कि उनके एप्लीकेशन पे मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और जो अभियुक्त के बारे में इन्होंने बताया है उस अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है, न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर उसको जेल भेजा जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, मऊ।